नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आजादी के 75वीं सालगिरह का अमृत महोत्सव यानी आजादी का अमृतकाल जोश के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से गर्व से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, चाहे वो राजनेता हो या आम नागरिक, पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। आजादी के जिस अमृत महोत्सव का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा रहा है। हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग इस अभियान को सफल बना रहे हैं। आजादी के महापर्व का ये उल्लास दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंपावत में भी दिखा है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया, फिर योगी इस महापर्व में शामिल हुए। तो पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लोगों में जोश दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा, कठुआ, शोपिया, जोधपुर, उज्जैन और बद्रीनाथ, यहां देखिए किस तरह से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन ने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया, उनकी तरफ से यात्रा निकाली गई जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हुए और साथ ही बड़ी संख्या में दूसरे लोगों ने भी हिस्सा लिया। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की है, वहां भी देखिए लोग कैसे जोश में दिख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर शोपियां की है, चौथी राजस्थान की है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद जो पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं वो महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जहां सुरक्षा बल के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और बढ़ चढ़कर इस बाइक रैली में हिस्सा लिया गया। वहीं छठी तस्वीर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से सामने आई है। यहां बाबा बद्रीनाथ के कपाट में जो श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने भी तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में धूम नजर आ रही है। क्या बच्चे, क्या जवान, सभी लोग बढ़ चढ़कर इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर की है, जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कृष्ण चौक से लेकर शताब्दी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। बच्चे जोश में दिखे और तिरंगा सबके हाथों में दिखा, भारत माता के जयकारे लगाते रहे, स्कूली छात्र देशभक्ति गानों में थिरकते भी दिखे। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां मदरसा इजाहुल उलूम मुजद्दिदी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो मुंबई से है, जहां मुंबई पुलिस द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मार्च का आयोजन बोईवड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ से किया गया था। अहमदाबाद के गोलनिमड़ा इलाके के अंजुमन इस्लामिया स्कूल की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अंजुमन इस्लामिया स्कूल को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया। स्कूल के छात्रों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्कूल को सजाया है। स्कूल में 3 अलग अलग फ्लोर, जिसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर को केसरिया, बीच के फ्लोर को सफेद और नीचे वाले फ्लोर को हरे रंग के कपड़े लगाकर तिरंगा की आकृति बनाने की कोशिश की गई है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट देखिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये है अहमदाबाद के गोल लिमड़ा इलाके में स्थित अंजुमन इस्लाम स्कूल की तस्वीर। आप देख सकते हैं पूरे स्कूल को इन बच्चों ने तिरंगे के रंग में रंग दिया है और पूरे इलाके में ये जो बिल्डिंग है स्कूल की, ये एक अट्रैक्शन का केंद्र बन गई है। बच्चों ने उसी कलर के स्कार्फ और छाते जो हैं वो ओढ़ रखे हैं। आपको बता दें कि एक बहुत ही अलग अंदाज में इस अंजुमन इस्लाम स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा जो है उसको मनाने का तरीका जो है वो ढूंढा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ये इसी तरह से कई सेलिब्रेशंस जो हैं वो करते आ रहे हैं। यहाँ स्कूल के ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पहले बात करेंगे क्या स्पिरिट है इनके मन में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को लेकर के।
आज हमारे स्कूल में जो अमृत महोत्सव है उसको देख के बड़ी बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके लिए, ये सब हमारी प्रिंसिपल और टीचर्स की देन है हमारे लिए। तो क्या आप जो बच्चे हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं देश को आगे, आप लोगों ने क्या संकल्प लिए इस तिरंगा पर्व? हम अपने देश के लिए अपने देश के साथ कदम मिला के चलेंगे और स्कूल में ये सब सजाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चे, देखिए उसी कलर के स्कार्फ में, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो पूरी एक अलग प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ उभर करके सामने आती है। ये जो स्पिरिट है तिरंगे की, देश को जोड़ने की, उसका ये परिचायक है यहाँ पे जो अंजुमन स्कूल के बच्चों ने किया है। आप बताइए आप क्या इस वक्त अनुभव कर रही हैं बेटा? क्या फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, ये हमारे प्रिंसिपल और टीचर्स की वजह से हो सका। आप क्या मानती हैं ये जो 75वां साल है आज़ादी का, एक तरह से ये कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, कई संकल्प तिरंगे के साथ जुड़े हुए हैं, आने वाले कल के भविष्य के तौर पे आपने क्या सोचा है, किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे आगे आने वाले भविष्य के लिए? हमने सोचा है कि हम देश का नाम और रोशन करेंगे और देश का तिरंगा हर जगह फैलाएंगे। यहाँ पे स्कूल की अथॉरिटीज में ये बताइए कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया जो है, ये कैसे आया, क्या ये सब विचार जो है हमारे बच्चों ने जो है उन्होंने हमारे को ताकत दी और हमारे बच्चों ने बोला कि अब अपने ऐसा करें तो कैसा, तो हमने इनको एनकरेज किया ताकि देशवासियों को पता लगे कि हमारे सबके साथ कदम से कदम मिला के यही काम करने का है और देश को आगे बढ़ाने का है। तो ये क्या 3 दिन तक इसी तरह लगा रहे? यस, ये तीन दिन तक हम ऐसे ही पूरी प्रदर्शनी करेंगे और पूरे आने जाने वाले लोगों को एक मैसेज देंगे कि तिरंगा जैसे ये लहराता है ऐसे हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ लहराते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये आह्वान था देश की जनता को हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ने का, यहाँ अंजुमन इस्लाम स्कूल के बच्चों ने उसको जिस तरह से डिपिक्ट किया है अपने आप में, ये नज़ारा जो है ये देखते ही बनता है और आने वाले कई सालों तक का ये तस्वीर जो है ये लोगों के जहन में यूं ही दौड़ती रहेगी। और एक तरह से जो तिरंगा है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, हमारे सम्मान का प्रतीक, उसकी जो भावनाएं हैं उसके साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।